याद और है, संग और नाराजगी भी इन एफिशिएंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट और पार्टी ने तो कभी कोशिश ही नहीं की। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज लड़ने का उसके अंदर जज्बा नहीं, और जज्बा इसलिए नहीं, किसी का आज तक 10 साल में किसी का बच्चा कोई नौकरी नहीं लगाया। कार्यकर्ता का बच्चे का कार्यकर्ता कोई साधु संत तो है नहीं कि सिर्फ आपकी सेवा में लगा हुआ या परमात्मा हो आप। पॉलिटिकल कार्यकर्ता यह चाहता है कि मेरी पहचान बने सामाजिक रूप से, प्रशासन में मेरे को जाना जाए कि मैं कार्यकर्ता हूं, और इसके साथ साथ मुझे जिनसे मैं जुड़ाव रखूं उनसे मैं ये तो कह सकूं, यार तेरे को थाने से छुटवा के लाया था भाई, मैंने तेरा ट्रांसफर कराया था, मैंने तेरी नौकरी में मदद की। ये नहीं, मैं सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप टोटल बीजेपी के जो हमारे से हम तो फिर भी भारी बार है, जो अंदरूनी है उनकी हालत ये है, इसलिए कमजोर है। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए। आज क्षेत्रीय दल का कोई लोगों में ये शौक नहीं है कि हम इनको वोट डाल दें, तो इसलिए जो सब कांग्रेस ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसको लोग ये समझते हैं कि इनके साथ जुड़ो, राज बदलो और कांग्रेस को सत्ता सौंपो। और कांग्रेस ने भी जो प्रॉमिस किए हैं या आगे असेंबली में जो अपना घोषणा पत्र लेके आएगी उन चीजों पे भी लोगों की निगाह रहेगी कि तो सब यही है, हम दो छोड़ के आ गए और ऐसा ऐसा लोग भी सोचेंगे। आप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे पूरे हरियाणा में करेंगे? नहीं, आप पूछ लो कहाँ टाल करनी है। मेरा सीधा मेरा अब ये जो है ना, ये आपने व्याख्या करनी है। मैंने तो रोड़े बताए हैं और मैं अब भी यही बात कह रहा हूं कि मेरा एक ही मेरा सोच का ऐसा है, मैं उसको कुछ हद तक, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पूरे रूप से पूरा कर दूंगा, लेकिन हरियाणा के अंदर वर्कर को इनिशिएटिव लेना वो मैं कर सकता हूँ, और उस इनिशिएटिव से आम साधारण वोटर को अपने साथ जोड़ना। ये प्रक्रिया मैं सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात नहीं, असेंबली इलेक्शन तक इस पे मैं जोर दूंगा। और कम से कम 20-22 ऐसे हलके हैं यहाँ जिसको मैं मध्य हरियाणा बोल दो या कुछ बोल दो, यहाँ अब जैसे लोकसभा के 9 हलके हिसार के, 9 के 9 में कांग्रेस है ही नहीं। एक आदमी जो जीता था वो कांग्रेस को छोड़ गया, और वो भी जीतने की प्रक्रिया कैसी थी, क्यों थी? कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह अपनी टिकट आखिरी वक्त में अपनी सोच के हिसाब से टिकट नहीं दी, वो भी एक कारण था कांग्रेस का जीतने का। तो यहाँ कांग्रेस को मजबूती देना इसलिए जरूरी है कि इस इलाके के अंदर हम अगर कांग्रेस को मजबूती देंगे तो यहाँ की जो राजनीतिक जो एक वैक्यूम है वो वैक्यूम खत्म करना जरूरी है, और इसमें शैलजा जी का भी काफी योगदान हो सकता है और रणदीप सिंह जी का भी अच्छा, क्योंकि वो भी इसी इलाके से। और मैं ये भी कोशिश करूंगा, अब मेरी कितनी चलेगी वो मालिक को ज्यादा पता है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और इन सभी साथियों का और मैं खुद, हम इकट्ठा जुड़ के चलेंगे तो कांग्रेस यहाँ सत्ता में भी आएगी और लोगों को उसका फायदा भी होगा। क्योंकि लोग अगर कांग्रेस के साथ, वैसे नहीं है आज कोई ये सोचे कि कांग्रेस वैसे ही बड़ी मजबूत हो रही है, ना, बीजेपी से लोग नाराज हैं। मतलब दुखी लोग कांग्रेस की तरफ। हाँ देखिए, हरियाणा में मैं काफी समय से ये मानता आया हूँ कि हरियाणा में, मैं सिर्फ दो प्रदेशों की बात कर सकता हूँ जहाँ की मुझे थोड़ी जानकारी है, एक राजस्थान की और एक हरियाणा। इन दोनों प्रदेशों में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का कांटे का है। हरियाणा में कांग्रेस आज के दिन निसंदेह भाजपा के ऊपर भारी। सीटों की प्रोडिक्शन मैं नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है आज के दिन हरियाणा में कम से कम कांग्रेस भारी है। तो आप क्या मानते हैं, जैसे 2 साल में 400 बार का झगड़ा कर रहे हैं, 200 भी नहीं आती, आप क्या मानते हैं? देखिए, 400 की बात तो उन्होंने भी करना बंद कर दिया,
अब तो वो हिंदू मुसलमान पे चले गए दोबारा, सिर्फ एक फेज के बाद। एक फेज में करीब 20% सीटों की वोट डली थी, 102 सीटों की। उसी से आभास हो गया शायद उनका कि जो एक माहौल बनाने का प्रयास था, वस्तु स्थिति जो है जमीनी हालात में वो कहीं भी उसके आसपास भी नहीं है। तो 19 तारीख का जो पहला जो फेज था, 21 तारीख को भाषा बदल गई। तो मेरी स्वाभाविक सी चीज है, उससे निष्कर्ष सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है कि जो सोच के बैठे थे, जो लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही थी, एक एक चित्र जो लोगों को दिखाया जा रहा था, वैसा कुछ भी नहीं। 5 साल आप सांसद रहे नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी में कभी महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा हुई या मतलब किसी मीटिंग में मतलब सीरियस लेवल? वो तो आपको पता ही है कि उसका जिक्र तो बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में नहीं है, ना बेरोजगारी का है ना महंगाई का है। तो वो मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी 1.5 साल पहले 2 साल पहले पार्लियामेंट के ग्रुप्स बनाए थे हमारी पार्टी के, जिनका पार्लियामेंट के दौरान ताकि आपसी तालमेल थोड़ा बना रहे, सीनियर लीडर 2-3 थे ग्रुप, तो बहुत वरिष्ठ नेता ने जब हम बैठे थे तो एक बात कही थी कि भाजपा के लिए बड़ी वोट जीतना तो आसान है, लेकिन छोटी वोट में जाकर फिर हम फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ मुद्दे आ जाते हैं। तो उसी से समझ लें कि ये बेरोजगारी और महंगाई की बात इसीलिए नहीं होती कि बात करो हिंदू मुसलमान की, चीन की, पाकिस्तान की, G20 में हमारी जो अध्यक्षता थी उसकी, ताकि जो असली मुद्दे हैं जिनसे लोगों का रोजगार वास्ता है उससे नजर रखी रहे। सुर साहब ने कहा अभी एक नरेंद्र मोदी का था जो विपक्ष कहता है कि ये बिल्कुल ताना था है, आपने दोनों के साथ 10 साल आप यहाँ रहे, पूरी आपकी राजनीति को, आप क्या मानते कि डिफरेंस क्या देंगे? देखिए उस डिक्टेटरशिप को नहीं आप डिक्टेटरशिप कह सकते, वो ये था कि our prime minister is prominently ruling the country, मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की एक छाप थी कि वो मजबूती से राज करती है। यहाँ मजबूती के राज करने के इरादे नहीं है, यहाँ तो संविधान को परिभाषित करना और प्रजातंत्र लोकतंत्र की दिशा दशा कैसी हो और लोगों के अधिकार, वो सारी चीजें, कितनी ऐसी हम बात आपको बोल सकते हैं जिससे ये बात झलकती है कि इन चीजों को लोकतंत्र को खतरा, खतरा संविधान को, ये और ये बेसिक चीजें हैं जिससे कि आजादी को हम आगे अपनी 140 करोड़ का मुल्क हो और दुनिया में जिसको हम ये कहें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारी और हम इस चीज को मजबूत रखने के लिए बेशक हम विपक्ष में भी हों लेकिन विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और कल अगर हमारी ये उम्मीद है कि जो इंडिया का जो गठबंधन है वो, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लोग भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन की तरफ या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की जो प्रक्रिया है लोगों के मन में, वो चल रही है, वो कितनी स्पीड से चलेगी उतना ही उनका नुकसान हो। तो सब चुनाव मंगल सूत्र पे लोग वोट डालेंगे या जिस तरह आपने कहा कि डेमोक्रेसी ही खतरे में और संविधान भी खतरे में, तो लोग मंगल सूत्र या राम मंदिर जाएंगे या मतलब इस तरफ जाएंगे जो आप? चलो आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं इसके बारे में सोच रहा था। एक गरीब आदमी है, ईमानदारी से बताता हूँ, मंगल सूत्र तो उनकी औरतों के गले में भी होता है लेकिन टिन का होता है, स्टील भी नहीं टिन, वो मंगल सूत्र भी है और ऐसे मंगल सूत्र भी हैं जो चांदी से बने हुए हैं और ऐसे भी मंगल सूत्र है कि मंगल सूत्र नाम का सूत्र है लेकिन उस, ये सारी बातें कोई प्रधानमंत्री जैसा आदमी इन बातों के लिए, मैं ये छोटी बातें हैं इनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ क्या आप, यानी एक चीज को सारे घुमा फिरा के उस चीज को, ये है कि मुसलमान क्या गले में कुछ पहनते नहीं, लेकिन राजनीति में धर्म का धर्म भी नहीं खत्म। आपको लगा कि आप भारी हैं? मैं तो जी मेरे ख्याल से हिसाब से भी ज्यादा भारी महसूस करता था जब वहां बैठा था। मैं जो 370 की जब बहस हो रही थी उसमें जो भाषण दिए गए थे ना, मैं उससे बहुत परेशान हो गया।
मेरे को तभी समझ में आएगी, क्योंकि ये तो मामला ठीक नहीं है। क्योंकि किस प्रकार से सारे जो हमारे बड़े लीडर हुए हैं उनको किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो फिर बहुत सी चीजें ऐसे आई जिसका संबंध सीधा सीधा हमारे प्रदेश से था, हमारे लोगों से था, उसके बाद तो मुझे ये था कि देर सवेर ये करूँगा, लेकिन पशुपेश जरूर। पहला मौका जब मैं तो वाकई ये था कि मैं छोड़ दूंगा पिछली भारत जोड़ो यात्रा, तो आधी गोली थी मेरा उस समय मन हुआ था, लेकिन फिर मैं रुक गया। वही बड़ी बात की बाई इलेक्शन आएगा, चुनाव उसकी वजह से मैं पीछे आ गया। सुर साहब ने एक बार कहा था कि मैंने ब्रजेंद्र को ये कहा था कि तू स्टेट की पॉलिटिक्स करो, लेकिन ब्रजेंद्र का लगा नहीं पिताजी मैं तो ना पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स करूं, क्योंकि देश सांसद चलाते। अब क्या लगता है आपको? उसका जवाब ये देंगे क्योंकि मेरे को यह ध्यान नहीं कि मेरी इनकी ये बात कब हुई। हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो अमित शाह है सांसद और मंत्री है वो लाख रांची के जनता के जैसे आप भाजपा में रहे हैं तो क्या था माहौल था वहाँ पे? मेरी तो उनसे मुलाकात दो तीन पब्लिक फंक्शन की हुई है, वन टू वन मुलाकात मेरी ना मोदी जी से कभी हुई ना अमित शाह। तो मैं ये कहूँ कि मैं क्योंकि 5 साल सांसद था और मैंने दरवाजे के पीछे क्या होता था वो देखा, तो ऐसा कुछ नहीं। जयप्रकाश के लिए आप किस तरह से वोट प्रचार करेंगे? कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देखिए आक्रोश भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएं होती हैं ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और खासतौर पर आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने अभी दशमेश जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ के करूँगा, सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की नज़र से नहीं देखूँगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में।